स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन के बारे में, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस दिल्ली सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने प्रशासन को संगठित करने के उद्देश्य से 40 तुर्क सरकारों का एक गुट चलीसा या तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। बर्नी इस गुट को चहलगानी कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा हकीम। तो अकबर के दरबार में नवरत्न में अब्दुल फजल, टोडरमल, मान सिंह, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, फौजी मुल्ला दो प्याजा और हकीम मुकाम शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी लुइस विलियम डेरी डीओजीओ। तो इसका यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी लुई विलियम डीरोजिनो था। इस आंदोलन की शुरुआत 1826 से 1831 ईस्वी के मध्य बंगाल में हुई थी। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक चेतना का प्रसार करना, प्रेस की स्वतंत्रता, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीय भागीदारी बढ़ाना तथा नारी शिक्षा एवं नारी अधिकार को प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सन फ्रांसिको। वर्ष 1913 में परमानंद सोहन सिंह आखाना और लाला हरदयाल ने मिलकर सैन फ्रांसिको में गदर पार्टी की स्थापना की थी। यह भारतीय क्रांतिकारी संघ था। इस संस्थान में कांशीराम पंडित, करतार सिंह, सरवा रामचंद्र आदि भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी आर दास। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसके पश्चात स्वराज पार्टी वालों को परिवर्तित समर्थन तथा विरोधियों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 281 बियॉन्ड किसकी आत्मकथा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीवीएस लक्ष्मण। 281 एंड बियॉन्ड भारत के महान क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। इस पुस्तक को वेस्टलैंड स्पोर्ट द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इसके सह लेखक आर कौशिक हैं, वे एक खेल पत्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाने वाले सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पलाऊ गणराज्य। प्रशांत महासागर में स्थित पलाऊ गणराज्य ने सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है। सन स्क्रीन कोरल रीफ समुद्री जीवन के लिए नुकसानदायक होती है। यह प्रतिबंध वर्ष 2020 से लागू हो जाएगा। सन स्क्रीन में ऑक्सी बेंजीन, ऑक्सी नॉक्सटेन और ट्राइक्लोरेन जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। यह रसायन कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शशिकांत दास। दिसंबर 2018 में शशिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। वे भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। उन्होंने उर्जित पटेल के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर में है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन
की भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित डोमिनो में से किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी .com। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परिवहन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा चैनल अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकाश वर्ष इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लौह का अंश अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनकोना पौधों के किस भाग से कुनैन प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तने की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य की भूमि से प्राप्त आय। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।